audio is done. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल गाइड प्रो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूबीक्यूटी का यूनिफाई स्विच। इसके अंदर एसएफपी की दो पोर्ट्स हैं। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर बॉक्स में हमारे पास क्या क्या साथ हमें मिलता है और इसके फीचर्स भी आपको बताऊँगा। तो इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, ये देखें आप, 8 गीगाबिट पोर्ट्स हैं, ये सारी इसकी गीगाबिट पोर्ट्स हैं और ये पीओई स्विच है 150 वाट का, 150 वाट इसकी पावर है। मैं आपको स्विच भी खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर बॉक्स में हमारे पास क्या क्या आता है। 2 गीगाबिट पोर्ट्स आती हैं एसएफपी, जिसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का आप मॉड्यूल लगा सकते हैं। ऑटो सेंसिंग पीओई प्लस इसमें फीचर है, ठीक है। कन्फिगरेबल 24 वोल्ट पैसिव पीओई का भी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है और 10 गीगाबिट टोटल नॉन ब्लॉकिंग लाइन रेट है इसके अंदर, 10 गीगाबिट तक ये सपोर्ट करता है स्विच, ठीक है। मैनेज बाय यूनिफाई कंट्रोलर, ये बिल्कुल सेम उसी तरह यूनिफाई कंट्रोलर के अंदर से ये मैनेज किया जाता है, डायरेक्टली आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। और इसके साथ शेल्फ माउंट किट आती है और वॉल माउंट किट आती है इसके साथ, ठीक है। पावर कॉर्ड और क्विक स्टार्ट गाइड इसके साथ हमें मिल जाती है पैकेज के अंदर। चलें हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये देखें व्यूअर्स, एक जबरदस्त सी पैकिंग के अंदर, नॉर्मली थर्मोपोल होता है लेकिन इसकी पैकिंग जरा ज्यादा फ्लेक्सिबल है ताकि सेफ रहे। ये इसकी वॉल माउंट किट होगी जो आप रैक माउंट कर सकते हैं, वॉल माउंट कर सकते हैं। बेसिकली इसका साइज छोटा है, ये 19 इंच के रैक में नहीं आता, नॉर्मली शेल्फ माउंट होता है क्योंकि ये रैक के लिए बना नहीं है क्योंकि साइज छोटा है इसका, तो इसलिए ये इसके क्लिप है। इसके साथ एक पावर कॉर्ड आ जाती है, स्टैंडर्ड 2 पिन पावर कॉर्ड है इसके साथ। स्क्रूज का एक पैक है, ये स्मॉल स्क्रूज हैं, ये जो ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट को स्विच के साथ अटैच करने के लिए ये हो गए आपके पास स्क्रूज। ये वॉल माउंट आपके पास फिशर दे दिए हैं इन्होंने, फिशर प्लग के साथ आपको स्क्रूज दे दिए हैं जो आप वॉल माउंट कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट गाइड ये किसके साथ मिल जाती है। अब हम निकालते हैं यूनिफाई स्विच, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर ये आपको मिल जाता है। वेट देख के पता चल जाता है कि चीज़ कितनी क्वालिटी वाली है और पेंट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसके सीरियल नंबर, टैग, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। इनपुट 100-240 2 एम्पीयर मैक्स, 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़, मतलब 110-220 किसी के ऊपर भी आप चला सकते हैं, मतलब इसके साथ किसी किस्म के कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है आपको। पोर्ट्स की तरफ आते हैं, देखें इसकी पोर्ट्स आपको मिल जाती हैं 8 पोर्ट्स, जो कि आपको पीओई प्लस में 8 पोर्ट्स मिलती हैं और गीगाबिट पोर्ट्स हैं और इन्हीं के अंदर कॉन्फ़िगरेबल है कि आप किसी भी पोर्ट को पैसिव 24 वोल्ट के ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो पीओई प्लस पोर्टेड नहीं होती, वो आप लगाते हैं जब तो वो ऑन नहीं होती प्रॉपर, फिर आपने क्या करना होता है तो इसके ऊपर आप पैसिव पावर जो है वो ऑन कर देते हैं जो ही वो डिवाइस इसके साथ अटैच करते हैं, जैसे कि यूपीएनटी की ओल्ड डिवाइसेस है ना, जो रॉकेट हो गया, बुलेट हो गया, वो डायरेक्ट ऑन नहीं होते इसके ऊपर। इसके अलावा नैनो बीम है, पावर बीम है, ये जितने भी मॉड्यूल हैं वो इसके साथ डायरेक्ट ऑन नहीं होते, उसके लिए आपको पैसिव 24 वोल्ट ऑन करना पड़ता है। एसएफपी पोर्ट है इसके अंदर, ये एसएफपी पोर्ट्स हैं 2, यहाँ पे फाइबर के मॉड्यूल लगा सकते हैं,
जो सेपरेटली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, यूनिफाई की तरफ से ही दिए गए हैं, आप वो भी इसके अंदर लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये भी गीगाबिट पोर्ट्स हैं और 10 गीगाबिट इसकी टोटल कैपेसिटी है। जो इसके क्लिप हैं साइड के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगते कैसे हैं। ये क्लिप आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, अगर आपने टॉप साइड पे रखनी है आप इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल है आप उस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं लगा के। ज़्यादातर वॉल माउंट किए जाते हैं ये स्विच, क्योंकि ये बेसिकली ऑफिसेज वगैरह के अंदर जहाँ पे आपको नेक्स्ट आगे डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, ये वहाँ पे लगाए जाते हैं स्विच। मैन सर्वर रूम में ये छोटे स्विच नहीं लगाए जाते। 8 पोर्ट आपको मैं लगा हुआ दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो रैक माउंट स्विच है सर्वर रूम के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी का मॉडल है, वो 16 पोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे सर्वर रूम में लगे हुए हैं ये स्विच। ये देखिए व्यूवर्स, ये रैक माउंट स्विच है, इसी के अंदर 16 पोर्ट ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है। आज मैं आपके पास अनबॉक्सिंग सिर्फ लेके आया हूँ छोटे स्विच की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा इसकी, कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम यूनिफाई कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, आपके पास इसी वीडियो में ऊपर आप देखें आपके पास लिंक आ रहा है इसकी कॉन्फ़िगरेशन वीडियो का, और प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि यूनिफाई की मज़ीद डिवाइसेस भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें उनकी कॉन्फ़िगरेशन अनबॉक्सिंग कंप्लीट रिव्यू किए हुए हैं चीज़ों के। बेहतरीन क्वालिटी का स्विच है ये, और हमने इसे मैक्सिमम लोड के ऊपर भी चलाया हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, एक बेस्ट प्रोडक्ट है ये। कीमत इसकी ज़्यादा है, इंटरनेट पे इसकी इसका रेट डॉलर्स में अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में तो ज़्यादा है, PKR में आपको इंपोर्ट चार्जेस टैक्स वगैरह डाल के ये काफ़ी प्राइस ऊपर चली जाती है इसकी। अब तक के लिए इतना ही व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.